नमस्कार चिबाई। हेलो खुलुमखा, आज मैं बहुत दिन के बाद फेसबुक लाइव में आया हूं और मैं आप अपने लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप सब जानते हैं कि थोड़े दिन पहले TBSC ने एक अनाउंसमेंट किया था कि हमारे जो इंडिजिनस स्टूडेंट्स हैं उनको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा टू राइट एग्जाम्स इन रोमन स्क्रिप्ट। सिर्फ बांग्ला स्क्रिप्ट ही एक ऑप्शन दिया गया था और जो एक नॉर्म चल रहा था कि हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखें या बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखें, ये हमारे ऊपर एक स्टूडेंट्स के ऊपर एक चॉइस था। उसको खारिज करके एक अनाउंसमेंट किया गया था कि ये सिर्फ बांग्ला स्क्रिप्ट में होगा और हमारे स्टूडेंट्स जिनको रोमन स्क्रिप्ट में लिखना है उनको ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आप जानते हैं कि पूरे सिविल सोसाइटी से इनका ऑपोजिशन रहा, हमारे LOP ने भी अपोज किया, मैंने खुद अपोज किया और मैंने एक क्लियर इंडिकेशन दिया कि अगर इन्होंने अपना डिसीजन नहीं बदला तो हम इनको बदल देंगे। आज खबर आ रहा है कि हमारे प्रेशर से, हमारे स्टूडेंट्स के प्रेशर से, हमारे सिविल सोसाइटी के प्रेशर से इन्होंने अपना डिसीजन वापस रिवर्स किया है। मैं अपने लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, कुछ कुछ इश्यूज राजनीति और पार्टी से बड़ा होता है। अगर आप एक पार्टी में हो और वो पार्टी का डिसीजन आपके कम्युनिटी के खिलाफ हो तो आपको समझना चाहिए कि वो पार्टी से बड़ा आपका कम्युनिटी है। कम्युनिटी ही देश को बनाता है, लोग ही देश को बनाते हैं। आपका कोई भी संगठन आपके जाति से बड़ा नहीं होता है। एक सिस्टमैटिक प्लान बनाया गया है, एक षड्यंत्र है कि अगर हमारे स्टूडेंट्स कल एग्जाम्स में हमने अपियर किया और हमें वो स्क्रिप्ट में नहीं दिया गया जो हमारे चॉइस का है और हम एग्जाम्स में फेल हुए तो कल हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को, दे विल नॉट गेट जॉब्स, इनको नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी नहीं मिलेगा तो हम गरीब रहेंगे, हम गरीब रहेंगे तो हमारे ऊपर राज किसी और का रहेगा। एक सिस्टम है जो हमारे तिपरा साहब को, हमारे जनजाति को गरीब रखने के लिए कोशिश करता है। ये सिस्टम को तोड़ने के लिए हमें सोच को बड़ा करना पड़ेगा। एक लोग हैं जो सिर्फ पॉलिटिक्स देखकर ही अपना जिंदगी बिताते हैं। पॉलिटिक्स कब तक रहेगा? पॉलिटिक्स तब तक रहेगा जब तक आपका रेलिवेंस रहेगा, आपका एक जरूरत रहेगा लोगों को। जिस दिन आपका जरूरत खत्म हो गया लोग आपको फेंक देंगे। इसके लिए हमें नेता से ज्यादा सिस्टम को इम्प्रूव करना है, अपने लोगों को इम्प्रूव करना है। एक महाराजा आया तो तिपरासा का भला नहीं होगा, एक मंत्री बना तो तिपरासा का भला नहीं होगा, एक MP बना तो तिपरासा का भला नहीं होगा। तिपरासा का भला तब होगा जब हमारे तिपरासा सोसाइटी में नेक्स्ट जनरेशन को एक लेवल में हमको ऊपर आना पड़ेगा। जब हमारे पास डॉक्टर होंगे, हमारे पास इंजीनियर्स होंगे, हमारे पास लॉयर्स होंगे, हमारे पास IAS ऑफिसर्स होंगे, हमारे पास बिजनेसमैन होंगे, तभी हमारा सोसाइटी बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ भारत माता की जय, वंदे मातरम, लाल सलाम, आई क्लोकथोंग बोलने से हमारा नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। कल मैंने अपने फाउंडेशन डे में और एक बात बोला था कि मुझे अपने लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देना है। जिस दिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपने बारे, अपने निजे स्वार्थ के बारे डिमांड करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे कमजोर देखेगा, मेरे अपोजिंग पार्टीज मुझे कमजोर देखेंगे। इसके लिए मैंने हमेशा एक लाइन रखा है, पहले मेरे गरीब टिपरासा को कुछ दो, उसके बाद मैं अपने बारे मांगूंगा कुछ भी। अगर मुझे देंगे और मेरे लोगों को नहीं देंगे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने मुझे बहुत दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में एक चीज होता है मेरे दोस्त, गुड नेम, अच्छा नाम। पैसा बाप का हो सकता है, घर बाप मां का हो सकता है, अच्छा नाम जिंदगी में आपको खुद कमाना पड़ता है। अगर एक गांव का गरीब मां ने, बुमा ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा ड्यूटी बनता है कि पहले उनके बारे सोचूं ना कि अपने बारे सोचूं। बहुत लोग गाली बकते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। खत्म कुछ नहीं होता,
कमजोरी यहां से होती है। आपको पॉजिटिव देखना चाहिए। मैं देख रहा हूं नागालैंड में सब नागा लीडर्स लोग, कोई भी पार्टी के हो, जब नागा का इश्यू आता है तो एक हो जाते हैं। मिजोरम में कोई भी पार्टी का हो, आंचलिक हो, नेशनल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ZPM हो, MNF हो, जब उनका इश्यू के बारे बात आता है सब एक हो जाते हैं। लेकिन हम लोग त्रिपुरा में हम एक दूसरे को अटैक करते रहते हैं। हमको लगता है कि अगर एक टिपरासा दूसरा टिपरासा को नीचे रखेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा, एक दूसरे से फाइट करने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे को गाली बकने से कुछ नहीं होगा। हमारा कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस। हमारा कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए हमारे बच्चे को। आज अगर हम अपने खुद के बारे सोचेंगे तो कल आपके बच्चे को वो चांस नहीं मिलेगा। अगर आज हमने अपना आप को हल्का किया, अपने आप को अटैक किया, कल आपको लगता है कि आप आज अमीर बन गए, आपको कुछ मिल गया, कल आपके बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपका बच्चा गरीब रहेगा, आपका तो जिंदगी गया, आपका बच्चे का क्या होगा? उनके बारे सोचिए। आज अगर टिपरासा को सर्वाइव करना है तो ये 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल का इंसान नहीं कर सकता, हम लोग नहीं कर सकते, ये एक यूथ कर सकता है। उनके लिए तो एक बार सोचिए, आपने जन्म दिया है उनको, लेकिन आपने प्यार ज्यादा राजनीति से किया, ना कि अपने बच्चे को, भविष्य से। आज हमारे एक सोसाइटी में एक कमजोरी है, इसी के लिए आज ये परिस्थिति है। जब हम लोग एक होते हैं तब हम लोग सबसे ताकतवर रहते हैं। आप आज TBSC का एग्जाम्स के बारे देख लीजिए। मैंने TISF से मुलाकात की, मैंने TSF से मुलाकात की, मैंने उनको बोला जाओ करो प्रोटेस्ट, ये तुम्हारा अधिकार है, ये पार्टी का बात नहीं है। और मैं यही चीज दूसरे लोगों को भी बोलना चाहता हूं, आपका जब जन्म होता है तो आप कोई पार्टी में जन्म नहीं होते, आप कोई कांग्रेस, बीजेपी, CPM, मोथा में जन्म आपका नहीं होता, आपका जन्म एक गांव में एक टिपरासा के मां के पेट से होता है। आपका जन्म ही आपका आइडेंटिटी है, आपका जमीन ही आपका आइडेंटिटी है। आज दिल्ली में मैं इतने बार गया हूं, यहां में लोगों ने मुझे गाली बका है, मेरा मजाक उड़ाया है, मैंने तभी भी हंस के मैं चुप रहा हूं, क्योंकि एक ना एक दिन तो लोगों को समझ में आएगा कि आपका बुबागरा ने सच में आपके लिए फाइट किया, सच में मैं अंदर से बदल गया, क्योंकि मैंने इतना प्यार देखा आपसे, आपने इतना प्यार दिया मुझे। मैं आज तक नहीं भूला हूं कि मेरे इलेक्शन के टाइम एक माँ, एक बूढ़ा औरत, एक बूढ़ा आदमी आकर मुझे 100 रुपए देकर गया, किसी ने 10 रुपया दिया, कोई स्टूडेंट ने 50 रुपया दिया, किसी ने 200 रुपया दिया, लेकिन आपने दिया है, क्योंकि ये आपको लगा कि ये बुबागरा हमारे लिए फाइट कर रहा है। तो आज मैं जानता हूं कि सब लोग बोलते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, मैं वही करूंगा जो मेरे कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए हो। हम लोग किसी से नफरत नहीं करते। हमने जब कहा कि ऑप्शन रहना चाहिए कॉक बरोक में रोमन स्क्रिप्ट का, हमने नहीं कहा बंगाली को हटाओ, बंगाली भी रहना चाहिए, आप देवनागरी भी रख लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऑप्शन, एक स्टूडेंट जब वो अपना परीक्षा देगा वो ऑप्शन स्टूडेंट के पास रहना चाहिए। हम लोग कौन होते, आप कौन होते हैं जो कह सकते कि हमारे स्टूडेंट को आप जेल में डाल देंगे, FIR फाइल करेंगे। हमको बुली मत करो, हमको धमकी मत दो, क्योंकि हम भी जवाब देना जानते हैं। और यूथ को कुचलने का कोशिश मत करो, क्योंकि जिस दिन यूथ एक हो जाएगा आपको कोई जिंदगी में कोई सिस्टम से बचा नहीं सकता आपको। बहुत लोग बहुत चीज बोलेंगे, लेकिन मैं त्रिपुरा का डेवलपमेंट चाहता हूं। आइए आप हमारे साथ एक संग हाथ मिलाकर हम लोग काम करते हैं, त्रिपुरा का उन्नति के बारे बात करते हैं। जो हमारा अधिकार है हमें, हमारा अधिकार हमें दीजिए, डिनाई करके कुछ नहीं मिलेगा। आपको स्वीकार तो करना पड़ेगा कि त्रिपुरा में जनजाति लोगों का राज्य था, इतिहास था। आज हम किसी और से किसी का हक नहीं मांग रहे, हम अपना हक, जो हमारा हक है वो तो दीजिए। जो चुनाव के टाइम आपने प्रॉमिस किया वो तो पूरा कीजिए।
आप मुझे पसंद नहीं करते, मुझे हटा दीजिए, लेकिन हमारे लोगों को उनका जमीन का अधिकार, उनका पॉलिटिकल अधिकार, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार, उनका इकोनॉमिक अधिकार, वो तो देना पड़ेगा। आप त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं बना सकते जब तक आप 30% जनजाति को इग्नोर करेंगे, जब तक आप 10% माइनॉरिटी को इग्नोर करेंगे, जब तक आप SC को इग्नोर करेंगे, जब तक आप हमारे मणिपुरी भाई को इग्नोर करेंगे। अगर आगे बढ़ना है तो सबको लेकर चलना है, किसी को नीचे दिखाकर, और वो भी जो हानि बुसा है उनको नीचे दिखाकर आपको दिल में सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। आई विल फाइट फॉर माई पीपल एंड दैट इज माई कमिटमेंट। पीपल मे से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। गॉड हैज गिवन मी एवरीथिंग, बट आई वॉन्ट द लेगेसी ऑफ महाराजा वीर बिक्रम टू कैन कंटिन्यू टू कैरी ऑन, एंड आई कैन डू दैट इफ आई रिमेन ऑनेस्ट एंड ट्रू टू माई पीपल। अब मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि आप एग्जाम्स अपने स्क्रिप्ट में लिखेंगे, आप यू राइट इन रोमन और यू राइट इन बांग्ला, दैट चॉइस इज योर्स, एंड बिकॉज वी वर टूगेदर यू वी वर यूनाइटेड, क्योंकि हम लोग एक रहे, इनको अपना पॉलिसी चेंज करना पड़ा। तो मैं आप सबको अपील करना चाहता हूं, आपके दिल में कोई और भी हो, आपका पार्टी कोई भी हो, लेकिन जब जब जमीन, भाषा, अधिकार, अपॉर्चुनिटी का बात आए, तो कभी कभी आपको पार्टी पार्टी किया 75 साल कुछ नहीं मिला, कभी कभी आपको किसी और से भी सीखना चाहिए। एकता कैसे आता है? एकता सिर्फ भाषण देने से और रैली करने से नहीं आता है। एकता तब आता है जब आपको लगता है कि वो मेरा जो गांव में मेरा दोस्त है, मेरा गोष्ठी है, वो किसी और को भी वोट करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका बच्चा और मेरा बच्चा को एक दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। वोट बेचोगे आज, बच्चे का भविष्य बेचोगे कल। आज कॉम्प्रोमाइज करोगे, आज लालची दिखाओगे, आज लालच दिखाओगे, आज कमजोरी दिखाओगे, कल आपके बच्चे को सफर करना पड़ेगा। बाद में आकर मत बोलना कि गलती हो गया। गलती अगर हम रिपीट करते रहे तो वो गलती नहीं, वो आदत बन जाता है। ये आदत से निकलिए, आदत से निकलिए। मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं एंड आई वॉन्ट टू थैंक द सिविल सोसाइटीज। बहुत लोगों ने मुझे फोन किया, स्टूडेंट्स, TISF हो, TSF हो, बहुत लोग मुझे उनका उन्होंने मेरे संग बात किया, और मैंने भी अपने तरीके से वार्निंग दिया कि आपको ये करना पड़ेगा। और आज क्योंकि हम लोग सब एक होकर हमने अपना आवाज उठाया, तो ये स्क्रिप्ट का इशू इस साल बचा है, लेकिन अगले साल फिर से ये होगा, उसके बाद फिर से ये होगा। तो हमें भी समझना चाहिए कि अगर हमें परमानेंट सोल्यूशन लाना है तो राइटिंग में, लिखित, शांति से लाना पड़ेगा। और मेरा फाइनल अपील, आई वॉन्ट टू अपील टू ऑल माई पीपल हु आर आउटसाइड, हु आर इन बांग्लादेश, यू हैव टेकन द पाथ ऑफ वायलेंस। वायलेंस से कुछ नहीं होगा, वायलेंस से कुछ नहीं होगा। आप आइए, बात कीजिए, टॉक्स में आइए, कम ओवर ग्राउंड, डोंट कॉम्प्रोमाइज, फाइट फॉर योर पीपल। आई विल बी विथ यू, आई विल स्टैंड विथ यू, बट नॉट विथ वायलेंस, विथ पीस। कम ओवर ग्राउंड, ब्रिंग डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस टू आर पीपल। यू आर ऑल्सो आर कम्युनिटी, यू आर ऑल्सो आर ब्लड एंड फ्लैश, यू आर ऑल्सो आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वी डोंट वॉन्ट यू टू सफर एनी मोर, वी आर अंडरस्टैंड, बट वी डोंट वॉन्ट यू टू टेक द पाथ ऑफ वायलेंस। वायलेंस विल नेवर अचीव एनीथिंग। दिस इज माई मैसेज टू एवरी वन। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल एंड स्टे यूनाइटेड, बिकॉज इफ वी स्टे यूनाइटेड वी विल अचीव समथिंग वेरी सून। इफ यू डोंट स्टे यूनाइटेड, बहुत लोग हमारा हमको नहीं चाहते कि हम लोगों का उन्नति हो, हम लोगों का प्रोग्रेशन हो, वो उनका सोच है, हमें उनके सोच में नहीं पड़ना है।
हमें अपना कॉमन इंटरेस्ट को बचाना है। जैसे आज नागास एक हैं, मिजोज एक हैं, मणिपुर में एक कम्युनिटी एक है, एक कम्युनिटी एक है। आज जैसे जब इंडिया का पाकिस्तान के संग कुछ होता है तो हिंदुस्तान एक होता है, आज हमें भी एक होना है, किसी के खिलाफ नहीं, हमारे भविष्य के लिए। जिनको ये बात समझना है वो समझेंगे, जिनको राजनीति करना है वो मुझे फिर से अटैक करेंगे, मुझे गाली बकेंगे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप मुझसे नफरत करते हो, मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं। आपका नफरत आप ही का हेल्थ को खराब करेगा, आप ही का ब्लड प्रेशर को हाई करेगा, आप ही का स्वास्थ्य खराब होगा। मैं अपने लोगों को प्यार करता हूं, और हंसने से प्यार करने से कोई बीमार नहीं होता, बीमार वो होता है जिसका सोच गलत होता है। बेलाई बेलाई नो हम बाय, गॉड ब्लेस यू, तिप्रासा दोफा आइक लोकथम, तिप्रासा जाति आइक लोकथम, बेलाई नो हम बाय।